पूरे हैं नहीं है, लेकिन वैसे मशीन तो लगाई हुई है उन्होंने। बिलाल साहब गिन रहे हैं, मिले हैं $300 के, ये 8,000 ये वैल्यू है डॉलर बहुत ज़्यादा। ग्राम के भी हैं, 5 ग्राम के भी हैं, 50 ग्राम के भी हैं, जो प्योर गोल्ड है जो इनका ना, उसके आप ये ले सकते हो। उसके बाद ये लॉकेट वगैरह भी ले सकते हो, ये करेंसी की शॉप से आप ले सकते हो, करेंसी की शॉप से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है अजमेर में, अभी होटल से बाहर निकले हैं शेव वगैरह खत वगैरह करवाने के लिए, कटिंग शटिंग, और अपनी भी मैं क्या थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर लें, उसके बाद थोड़ी सी करेंसी चेंज करवानी है इधर से। करेंसी चेंज करवाने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता करना है, क्योंकि इन होटल वालों ने नाश्ता नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, जो आपने ऑनलाइन बुकिंग की थी ना उसमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, रूम शूम हर चीज़ सही मिल गई है। तो इधर अजमेर में सुबह 8 बजे सारी दुकानें ओपन हो जाती हैं, ठीक है, और शाम 8 बजे क्लोज़ हो जाती हैं। चंद क्लब वगैरह या कुछ ग्रोसरी की जो शॉप्स हैं वो ओपन होती हैं, दूसरी हर चीज़ बंद हो जाती है इधर, ठीक है, क्योंकि अजमेर इतना टूरिस्ट एरिया नहीं है। और इसके बाद हम आगे जाकर चश्मे पे जाएंगे, तो वो टूरिस्ट एरिया है, उसके साथ बहुत से बीचेस लगते हैं। ये देखें मार्केट ओपन, इनकी सारी ये मार्केट है। पहले हम करेंसी चेंज करवा लें, चलें उधर, तो इधर से ले आए। ये सारे होटल हैं रोड के साथ साथ ना, ये ज़्यादातर तुर्की में ये होटल हैं। ये पुलिस वाला खड़ा हुआ है टूरिस्ट वगैरह को जो है ना सिक्योरिटी देने के लिए, हथकड़ी वगैरह है उसने बैग पे रखी हुई है, बेल्ट में डाली हुई है, गन मैगजीन हर चीज़ जना रेडी है बिल्कुल। अच्छा, तुर्की का ना ये एक इदारा है जिस पे लिखा है ना 10 नोटली, बेसिकली ये एक गवर्नमेंट का ऐसा इदारा है इनका, जिस कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपने साइन करवाने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं या चाहे कोई और हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में तो हम ये अटेस्टेड वगैरह करवाते हैं ना इदारों से जगह जगह जा के, लेकिन इस एक छत के नीचे आपको सारे अटेस्टेड हो जाएंगे इधर ना, इन्होंने ये सहूलत दी हुई है तुर्की वालों ने ना, 1 डोर ऑपरेशन किया हुआ है, जिधर जिधर ये लिखा हुआ है ना उधर आप अटेस्टेड वगैरह इनका इस इदारे से आप करवा सकते हो डॉक्यूमेंट वगैरह ना। तो सुबह सुबह ये नाश्ते वगैरह की शॉपें भी ओपन हो गई हैं इनकी, इधर ज़्यादातर कावा वगैरह ज़्यादा पिया जाता है। हमें भी एक मिल गई है शॉप ओपन हुई अभी हुई है करेंसी की, तो ये ऑलमोस्ट रेट चल रहा है $1 के 27 मिल रहे हैं, 27 लीरा, और यूरो का 30 ये चल रहा है। तो 300, चलो ठीक है, हाँ 300 करवा लें, हाँ ठीक है, 300 डॉलर जो है ना चेंज करवाने लगे हैं, डेली के 200-300 लग ही जाते हैं, या कार्ड भी यूज़ हो रहा है, तो देखो कितने मिलते हैं। ये तो फिर रोले हैं जनाब बाबे के, बाबे ने वक्ते में डाला हुआ है पूरी दुनिया को।
ये जी हमें $300 के मिले हैं 8,100 लीरा, 8,100 लीरा मिला है $300 का, 27 रेट लगा है। ये जी ये नोट मिले हैं $300 के, ये 8,100, ये वैल्यू है डॉलर का, बहुत ज़्यादा पूरा बंडल मिल गया है जनाब। अब ये खर्च करते हैं, लगाते हैं, ये गिन भी लें, पूरे हैं नहीं है लेकिन वैसे मशीन तो लगाई हुई है उन्होंने। बिलाल साहब गिन रहे हैं, पूरे ही हैं। चलो आ जाएं, अब कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवा लें, उसके बाद ये देखना कोई बैग ही ना ले जाए, इसके अंदर सारा माल गोदाम है। अच्छा, करेंसी की शॉप से आप ये गोल्ड के पीस भी ले सकते हो, जिसमें ये 20 ग्राम के भी हैं, 5 ग्राम के भी हैं, 50 ग्राम के भी हैं, जो प्योर गोल्ड है जो इनका ना, उसके आप ये ले सकते हो। उसके बाद ये लॉकेट वगैरह भी ले सकते हो, ये करेंसी की शॉप से आप ले सकते हो, करेंसी की शॉप से।